नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ व्यास सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण साह मसौड़ी के प्राचीन ऐतिहासिक विष्णु सूर्य मंदिर मनेचक पहुंचे तो मसौड़ी वासियों ने उनका फूलमाला से जोरदार स्वागत किया। पर्यटन मंत्री ने विष्णु सूर्य मंदिर और तालाब घाट का परिभ्रमण कर निरीक्षण किया। वहीं स्थानीय लोगों ने मंत्री से विष्णु सूर्य मंदिर मनेचक को पर्यटन स्थल घोषित करने और तालाब का जीर्णोद्वार करने की मांग की। अभी आज आए जानकारी हुई, लोगों ने यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि चलिए आप पर्यटन मंत्री हैं, चारों तरफ भ्रमण कर लीजिए और वहाँ जो स्थिति है अवलोकन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना एक प्रस्ताव देंगे, उस पर आप विचार करके जो संभव होगा करेंगे। अपने मीडिया वाले ने, भाई ने हमसे पूछा पर्यटक का दर्जा हम लोग नहीं देते हैं, पर्यटकीय स्थल है तो उस पर हम लोग विचार करके वहाँ के डीएम से है क्या होना चाहिए। जब उनका रिपोर्ट जाता है तो हम लोग आर्किटेक्ट को भेजते हैं, आर्किटेक्ट जाता है वहाँ, देखता है क्या निर्माण किया जाए, जो वहाँ की स्थानीय लोगों की क्या इच्छा है दोनों को। मसौड़ी पहुंचे बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण साह ने जल जीवन और हरियाली को लेकर मसौड़ी मनेचक तालाब घाट पर नारियल का पौधा सहित कई अन्य वृक्षों का पौधा लगाया। मौके पर मंदिर कमेटी के सचिव नवल भारती के अतिरिक्त मंदिर कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पानी लाइए, बाल्टी में पानी लाइए। सबसे बड़ी चीज है ये तो लगा देते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा है ना, माटी गिराइए, पेड़ तो अच्छा है, लग जाएगा, ठीक है। मसौड़ी का एकमात्र पार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा। मसौड़ी का एकमात्र पार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि इस पार्क का निर्माण आज से लगभग 10 साल पहले किया गया था, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसे विकास की दरकार है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के अधिकारियों से मांग किया है कि इस पार्क का जीर्णोद्वार किया जाए ताकि लोग इस पार्क का आनंद उठा सके। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क मसौड़ी का एकमात्र यही पार्क है जिसका हालत आप देख ही रहे होंगे, बाउंड्री टूटा हुआ है, बच्चे लोग आते हैं खेलते हैं, इधर भी खेलते हैं और ये दीवार भी जर्जर हो चुका है, कब गिरेगा और खेलते हुए बच्चे को अगर शरीर पर। यही हम सरकार यहाँ नगर अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इसको थोड़ा सा देखा जाए और इस बदहाली को थोड़ा सा ऊंचा किया जाए। जैसे 10 के बाद ही बनी है, उसके बाद से कुछ दिन चली ठीक ठाक रहा, उसके बाद से एकदम इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके कारण आप देख ही रहे हैं। हम चाहते हैं नगर अध्यक्ष से और अनुमंडल पदाधिकारी से कि इसको दुरुस्त किया जाए, जिससे मोहल्ले के बुजुर्ग लोग, महिला लोग जो जाती हैं गांधी मैदान और स्टेशन जाती हैं, वो नहीं जाएंगे, अपने मोहल्ले के ही पार्क में अपना सुबह शाम घूमेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जयराज पटेल। औरंगाबाद जिले के रिसियब थाना क्षेत्र के घ्योरा गांव में एक घर में घुसकर चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके चमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना मिलने पर रिसियब थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चोर को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर जख्मी हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष ने कहा कि ठंड के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में चोर घर को निशाना बनाते हैं, इसलिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जैसे बोले कि हमको बुलाए, ठीक है, हम निशा के सुर में घर से हम निकल गए, मंदिर पर हम सूते, उसको फोन किए, बोला कि कोई नहीं है, आ जा, वहाँ गए, गला के बाद में उसको माँ चोर चोर हाला करके पिटवा दिया पूरा। कितना दिन से प्यार करते थे? साल भर हो गए। मिलने के लिए गए थे? हाँ, वह बुलाया कि आवा, हम चल गए मंदिर पर सूते नहीं, निशा के सुर में थे, वहाँ गाँव के सब लेकिन चिंता है, बूढ़ से लेकर सियान तक का चिंता है, कौशल पसवान के लिए कैसे गेवरा है, वैसे हम भी खा रहे सर, हमारे किराना दुकान अपना है सर, चोरी करे जाएंगे दूसरा घर।
खबर वैशाली जिले के हाजीपुर से है, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाने से स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। मृतक के शव को सड़क पर रख सड़क को घंटों जाम कर दिया गया। व्यक्ति पैदल जा रहा था, तभी चलती ट्रक ने उसको कुचल दिया। वही हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ऐसा लगता है कि व्यक्ति को जानबूझ कर निशाना बनाया गया था। वही सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि सड़क हादसे में हुई मौत में मृतक की पहचान हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच की जा रही। हाजीपुर बाजार में अंजानपीर चौक के नीचे जो छपरा से बीएसएनएल गलमर तक रोड जाती है, तो पुल के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक ट्रक के नीचे आ जाने के कारण उनका मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर ही स्पॉट डेथ हो गया उनका, और उनका पहचान अंजानपीर के ही रहने वाले हैं। जयप्रकाश उनका नाम लोग बता रहे हैं, और वैसे उनके परिजन आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो पहचान हुआ है स्थानीय लोगों से, जयप्रकाश इनका नाम बताया जा रहा है और अंजानपीर में ही घर बना के रहते हैं। उम्र देखने से तो लग रहा है कि 60 से ऊपर के हैं ये। हाँ, बहुत पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।